Thank you.
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री राम नवमी महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेद भक्त वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम नौवां स्कंद ग्यारहवां अध्याय भगवान श्री रामचंद्र का पृथ्वी के ऊपर राज्य श्लोक संख्या 20 न इदं यशः रघुपतेः सुर याज्ञया आत्त लीला तनोः अधिका साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षः वधः जलधि बन्धनम् अस्त्र पोगैः किं तस्य शत्रु हनने कपयः रक्षो वधो जलधि बन्धनम् अस्त्र पोगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः न
नेदं यशो रघुपतेः सुरयाज्ञयात् लीलातनोरधिकसाम्य विमुक्तधाम्नः रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहननेकपयः सहायाः दो प्रभु जी दो माता जी शत्रुहनने कपयः सहाया जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः यशो रघुपतेः सुरयाज्ञयात् लीलातनोरधिकसाम्य विमुक्तधाम्नः रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः नेदं यशो रघुपते सुरयाज्ञयात् लीलातनोरधिकसाम्य विमुक्तधाम्नः रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः तस्य शत्रुहनने कपयः सहाय न नहीं इदम् ये सब यशः यश रघुपतेः भगवान रामचंद्र का सुरयाज्ञया देवताओं की स्तुतियों के द्वारा आत्त लीला तनो हो जिनका आध्यात्मिक शरीर सदैव विभिन्न लीलाओं में लगा रहता है अधिक साम्य विमुक्त धामनः कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है रक्षः वधः राक्षस रावण वध वध जलधि बंधनम समुद्र पर पुल बांधना अस्त्र पूगई ही धनुष बाण के द्वारा किम
क्या तस्य उसका शत्रु हनने शत्रुओं का वध करने में कपयः सारे बंदर सहायाः सहायक। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न उनसे बढ़कर। अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य: वेदों में कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोक 8, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् शमश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता और कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से और अव्यवस्थित रूप से घटित होता है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वे जो भी करते हैं वह उनकी लीला है। भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं को वध करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शक्तिमान हो सकता है। अतएव किसी के उनके शत्रु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब उन्हें लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत महिमामय कार्यकलाप करते हैं। उनके भक्त उन्हें विविध कार्यों में सदा विजयी होते देखना चाहते हैं। अतएव स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी कभी मनुष्यों की भांति कर्म करने के लिए राजी होते हैं और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी
भगवान श्री रामचंद्र का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि भगवान का वास्तविक यश जो है या भगवान की वास्तविक महिमा जो है वो केवल इन कार्यों में नहीं है कि उन्होंने रावण जैसे राक्षस का वध किया या उन्होंने समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया, क्योंकि भगवान की शक्ति तो अपार है, अचिंत्य है। और जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, तो केवल अपनी प्रसन्नता के लिए और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए विविध प्रकार के कार्यकलाप करते हैं। और मनुष्य समाज में प्रकट होने के बाद मनुष्यों की तरह ही कार्य करते हैं, इसलिए अनेक लोगों को गलत फहमी हो जाती है, एक भ्रांति हो जाती है कि राम ये भी एक साधारण मनुष्य है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र अधिक साम्य विमुक्त धामनः, उनसे कोई अधिक है न समान। अधिक साम्य विमुक्त धामनः, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान श्री राम के तुल्य है, तो अधिक होने की बात तो दूर ही है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया है असमोर्ध्व, असम ऊर्ध्व, न कोई उनके समान है न कोई उनसे श्रेष्ठ है। अन्यथा किस तरह के भगवान होते वो? यदि उनसे कोई श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति फिर भगवान बनते? तो परिभाषा ही भगवान की ऐसी है कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, पुरुषोत्तम है। और क्योंकि वो सदैव अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं, चाहे वो भौतिक जगत में आए या अपने धाम में वैकुंठ जगत में रहें, उनके कार्यकलाप सदैव आध्यात्मिक रहते हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्तलीला तनो हो, और अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनका आध्यात्मिक शरीर सदैव विविध प्रकार के लीलाओं में मग्न रहता है। तो सुर याचनया, तो सुरों की देवताओं की याचना पर श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने किस तरह के कार्य किए? रक्षो वधो अस्त्र पू गई ही, अपने अस्त्रों से धनुष बाण आदि से उन्होंने रावण जैसे राक्षसों का वध किया। और क्या किया? जलधि बंधनम, जल के ऊपर एक पुल बांध दिया, पुल का निर्माण किया। तो नेदम यशो रघुपते है, परंतु ये वास्तव में तो भगवान का यश या भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति इससे कितनी अधिक है कि इसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो अणुमात्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इससे अधिक प्रदर्शित करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जैसे एक बहुत ही बड़ा पहलवान हो और उसके सामने कोई एक छोटा सा कोई बच्चा हो, बहुत छोटा बच्चा, तो उसके साथ कुश्ती कर रहा है, तो क्या यदि वास्तव में उसको हराना है छोटे बच्चे को, तो पहलवान को क्या अपनी ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है क्या? बस थोड़े उसके लिए कैसे कहते हैं, छोटी उंगली या बाएं हाथ का खेल है। तो ये तो एक इस दुनिया का उदाहरण हुआ, परंतु भगवान की शक्ति इतनी अधिक है, इतनी अधिक है, असीमित है, अनंत है। इसलिए भगवान ने एक समुद्र के ऊपर पुल तैयार कर लिया, इसलिए भगवान महान है। ये हमारा दृष्टिकोण है और ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के दृष्टिकोण से भगवान ने जो कार्य किया वास्तव में अद्भुत है, परंतु भगवान के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई
अद्भुत बात नहीं है। तो इसलिए वो कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते, किम तस्य शत्रु हनने कपयः सहाया। फिर ऐसे भगवान तस्य को शत्रु हनने, अपने शत्रुओं की हत्या करने में किम कपयः सहाया। ऐसे कपि, कपि अर्थात वानर, कपयः अर्थात बहुवचन, तो ऐसे वानरों की सहायता लेने की क्या आवश्यकता थी? इस कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यकता वास्तव में नहीं थी, फिर भी भगवान ने इनको सेवा में लगाया। तो ऐसे भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि उनको, उनके भक्तों को वो एक सेवा का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। यदि सेवा न हो तो भक्त कैसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे संतुष्ट रहेंगे? अंततः भक्त केवल भगवान की सेवा के लिए ही जीता है, उसके जीवन में और कोई भी ध्येय नहीं रहता है। और वो इस सेवा ही नहीं रही तो भगवान का भक्त करेगा क्या? और वैसे तो साधारण सेवाएं तो अनेक रहती हैं, सबके लिए बताया गया है कि आपको हरि नाम जप करना है, भागवत पढ़ना है। फिर भी कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं, जैसे आज का उत्सव है, रामनवमी है, तो भक्तों ने कितनी सुंदर सुंदर ढंग से सजावट की है मंदिर की, फूलों से फूलों की माला बनाई, पन्ने और पत्र आदि सब लेकर आए और रात भर बैठ के सजावट किया, भगवान के श्रृंगार भी भगवान अंदर किए, वहाँ भी अंदर कितनी अच्छी सजावट है। अभी बहुत सारे भक्त अभी रसोई कर रहे हैं, तो ये विशेष सेवाएं ये उत्सव के समय संभव हो जाती हैं। तो भक्तों की इच्छा रहती है कि जो हमारी दैनिक सेवाएं हैं वो तो हैं ही, परंतु हम कभी कभी विशेष सेवा कोई करना भी चाहते हैं भगवान के लिए, तो भगवान ऐसा अवसर प्रदान कर देते हैं। तो वानरों के लिए भी उन्होंने ऐसा अवसर प्रदान किया। निजी सेवा, भगवान का उद्देश्य था कि रावण की हत्या करनी है, सीता देवी को बचाना है, वापस ले आना है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि उनके कई उद्देश्य हैं, धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टों का विनाश करना है, भक्तों की रक्षा करनी है। तो भगवान इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आ जाते हैं और अपने भक्तों को सेवा में लगा देते हैं। तो ये पहला कारण है कि भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता ली पुल के निर्माण करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इन सेवाओं के माध्यम से भगवान चाहते थे कि उनके भक्तों की ख्याति विस्तृत हो जाए संपूर्ण ब्रह्मांड में। जिस प्रकार से भक्त भगवान का गुणगान करना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों का गुणगान करना पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि हर कार्य के लिए जो वास्तव में भगवान ही करते हैं या करवाते हैं, उसका श्रेय, उनका श्रेय भक्तों को जाए। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने तो इन असुरों को, इन कौरवों को तो मार ही डाला है, परंतु तुम मेरा निमित्त बनो हे अर्जुन। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन को ये श्रेय जाए कि अर्जुन ने इतने शूरवीरता से युद्ध किया कि अर्जुन ने कौरव सेना को भी हरा दिया। तो ये दूसरा कारण है, ऐसे अद्भुत कार्य के लिए श्रेय भगवान अपने भक्तों को देना चाहते थे। भगवान के लिए ऐसे पुल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को इस प्रकार का पुल बनाना ये बहुत ही असाधारण बात है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम, जिस अवतार में भी भगवान आते हैं, वो एक मर्यादा का पालन करते हैं स्वेच्छा से। वैसे कोई भगवान को जबरदस्ती नहीं कर सकता, बलपूर्वक भगवान को कोई कहे कि आपको इस मर्यादा का पालन करना ही होगा तो ऐसे नहीं होता। भगवान स्वराट हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, परंतु स्वेच्छा से वो किसी एक मर्यादा का पालन करते हैं।
जैसे समय समय पर भगवान आते हैं, तो वैसे भगवान चाहें तो इस काल क्रम को ठुकरा सकते हैं, बीच बीच में भी आ सकते हैं, परंतु ऐसे अपने ही बनाए हुए मर्यादा का पालन करते हैं। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आदर्श एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने जीवन से, अपने कार्यों से उदाहरण पेश किया दुनिया के लिए। तो एक मनुष्य के लिए तो संभव नहीं है ना कि वो अचानक उड़ के चले जाए समुद्र के पार। राक्षसों के लिए है ऐसे संभव, हनुमान जैसे विशेष योगियों के लिए, भक्तों के लिए संभव है, परंतु एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आप को मर्यादित रखा, अपने आप को सीमित रखा। और इस प्रकार से श्री रामचंद्र ने अपने भक्तों के द्वारा ये बहुत ही बड़ा अद्भुत विचित्र पुल बनवाया। हालांकि उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि वैसे भगवान बाध्य नहीं है किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए, उनको कोई कर्तव्य स्वीकार करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, फिर भी भगवान स्वेच्छा से कार्य करते हैं। जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक, जिसका उल्लेख प्रभुपाद जी अनेक बार करते हैं अपने प्रवचनों में और तात्पर्यों में, न तस्य कार्यम करणम च उद्यते विद्यते, कि भगवान को कोई ऐसे कर्तव्य कार्य नहीं होते हैं। न तत्शमस च अभ्यधिकश्च दृश्यते, ऐसे कोई व्यक्ति दिखता नहीं है, न दिख पाएगा कभी भी, जो कि ऐसे भगवान के समान है या उनके उनसे बढ़कर है। परास्य शक्तिर विविधैव शूयते, तो परह है भगवान, तो उनकी शक्ति केवल इतनी अपार है, उनके विविध प्रकार की शक्तियां हैं। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, केवल अपनी इच्छा शक्ति से अपने सारे कार्यों को संपन्न कर लेते हैं, जो कि केवल भगवान के लिए संभव है, अन्यों के लिए नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी भगवान करते हैं वो लीला है, जो भी हम स्वेच्छा से करते हैं वो लीला है। अब आप ये पूछ सकते हैं, हम भी तो स्वेच्छा से कितने काम करते हैं, हम भी तो स्वेच्छा से सिनेमा देखने जाते हैं, हम भी तो स्वेच्छा से होटलों में खाने के लिए जाते हैं, हम भी तो स्वेच्छा से झूठ बोल देते हैं, परंतु ये स्वेच्छा नहीं है। हम भौतिक गुणों के अधीन हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और हर एक व्यक्ति का स्वभाव निर्धारित होता है इस आधार पर कि कौन से गुण की प्रधानता उसके चित्त पर, चित्त में है। तो जो तामसिक व्यक्ति है उसके लिए तो ये कार्य करना स्वाभाविक है, वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र होकर कर रहा हूं, परंतु वो बद्ध है। भगवान सदैव गुणातीत है, गुणों के अधीन नहीं है। जो व्यक्ति गुणों के अधीन है वो स्वतंत्र नहीं है। जो थोड़ी बहुत जो स्वतंत्रता है वो बस हम भगवान के लिए लगाएं तो जीवन परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम या श्री कृष्ण तीन गुणों के अधीन कभी नहीं रहते हैं, और कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई चीज करने के लिए या नहीं करने के लिए। इसलिए भगवान के सारे कार्य लील कार्य लीला कहलाते हैं, और लीलाओं में साधारण कर्मों में ये अंतर ये भी है कि लीलाओं से सब कुछ मंगलमय हो जाता है। साधारण तीन गुणों के अधीन से जो कार्य होते हैं, तीन गुणों से प्रेरित जो कार्य किए जाते हैं बद्ध जीवों के द्वारा, उनमें से मंगलमय कोई परिणाम नहीं निकलता है। सो इस प्रकार से भगवान की ये जो जो पुल बनाने की का जो कार्य है, ये भी उनकी एक लीला है, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं। और क्योंकि वो अपने ही
लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए वो अपने धाम से अवतीर्ण होकर यहाँ पर आके ऐसी लीलाएं करते हैं। अवतरति इति अवतार, उतर के आते हैं अपने धाम से। तो इसलिए भगवान के पुल बनाने का जो कार्य है अद्भुत होते हुए भी नहीं है। तो कल शाम को हम ये चर्चा कर रहे थे कि श्री रामचंद्र जब समुद्र के तट पर आ पहुँचे तो विभीषण के सलाह के अनुसार वो समुद्र के सामने बैठे, समुद्र देव की प्रतीक्षा करते रहे कि समुद्र देव आएंगे और फिर श्री राम उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी वानर सेना को आपके जल से पार करने के लिए कोई उपाय बताइए। 3 दिन और 3 रात जब समुद्र देव नहीं आए तो भगवान श्री राम बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने बहुत सारे तीर छोड़ दिए समुद्र के अंदर, वह बहुत उथल पुथल हो गया, सारे जलचर प्राणी बहुत ही विचलित हो गए, ऊंचे ऊंचे लहरें आने लगीं। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब लक्ष्मण ने जाके श्री राम से निवेदन किया कि कृपया आप रुक जाइए, समुद्र को सबक सिखाने के लिए और भी, या आपके जो वानर सेना को समुद्र पार करवाने के लिए और भी कोई एक भद्र रास्ता हो सकता है, कोई अच्छा मार्ग हो सकता है, इसके बजाय कि आप ऐसे भयंकर कोई उपाय ढूंढ निकालें कि आप ऐसे आपके तीर छोड़ देंगे और सारा समुद्र सूख जाएगा। तो ऐसे जब लक्ष्मण ने कहा, फिर भी श्री रामचंद्र का गुस्सा कम नहीं हुआ। फिर भी जब समुद्र देव सामने नहीं आए तो उस समय श्री राम ने अपने ब्रह्मास्त्र को बाहर निकाला। आप जानते हैं कि अस्त्रों में से सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदेव या ब्रह्मा जी का अस्त्र, बहुत भयंकर अस्त्र होता है वो। तो जब अपने धनुष को भगवान श्री राम ने अपने कर कमलों में पकड़ लिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी में थे, तो उस समय ऐसे लक्षण दिखाई पड़े वातावरण में कि सभी लोग भयभीत हो गए। तूफान आ गए वहां पे, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आ गईं और उल्काएं दिखाई पड़ रही थी आकाश में। उल्का जानते हैं ना, जो आकाश में कभी कभी एक छोटी सी ज्योति होती है, वास्तव में ऐसे कोई नाना प्रकार के छोटे 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 ग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, उल्काएं। तो उल्काएं ये सब अशुभ माने जाते हैं। और इतना ही नहीं कि सारे जो पहाड़ के पहाड़ जो हैं वो गिर रहे थे और बड़े बड़े वृक्ष भी टूट रहे थे, तो बिल्कुल तहस नहस हो रहा था सब जगह, सभी लोग कांप रहे थे डर के मारे। तो उस समय ये सब देखते हुए भी भगवान श्री रामचंद्र अपने निश्चय में अटल रहे, तब जाकर समुद्र देव उनके सामने प्रकट हो गए और उनके साथ में ऐसे सांप आदि थे जिनके मुख से अग्नि आदि निकल रही थी। तो ऐसे अपने एक देव रूप में समुद्र देव सामने आए और उन्होंने उनके संग में और जितने भी नदियां हैं उनकी देवियां भी आईं, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी इत्यादि, और ये सब करबद्ध रूप में आके खड़े हो गईं सब भगवान रामचंद्र के बारे में। और फिर उन्होंने कहा कि हमारा स्वभाव ऐसे है कि समुद्र को ऐसे होना चाहिए जो कि कोई भी पार न कर पाए, ये तो प्रकृति का नियम है, हमारा स्वभाव ही ऐसे है। परंतु आप जब करना चाह रहे हैं हे प्रभु, तो इसलिए मैं व्यवस्था कर देती हूँ।
कर देता हूँ, तो आप कृपया अपने भक्तों के द्वारा पत्थर आदि, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ मेरे जल के ऊपर रख लीजिए। मेरे शक्ति के द्वारा मैं इनको तैराऊंगी, तैराऊंगा मैं, क्षमा कीजिए, तो मैं तैराऊंगा, तो ये पहाड़ जो है, फिर ये आपका पुल बन जाएगा। केवल आपके लिए ये सेवा हम करना चाहते हैं। और इस प्रकार से आप लंका चले जाइए और फिर अपनी पत्नी सीता की रक्षा कीजिए। तो उस समय श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी में हूँ। देखो, ये तीर बस छोड़ने ही वाला हूँ मैं। अब जबकि मैंने इस धनुष पे तीर को लगाया हुआ है, मैं इस तीर को वापस में नहीं ले सकता। इसको तो छोड़ना ही होगा मुझे, तो मैं कहाँ छोड़ूं, ये बताओ। तो उस समय समुद्र देव ने कहा कि उत्तर में एक स्थान है जिसका नाम है द्रुमकुल्य, और इस द्रुमकुल्य में ऐसे असभ्य लोग रहते हैं, इतने पापी लोग हैं जो कि मेरे जल का पान करते हैं, अर्थात वो समुद्र का जल ही स्वीकार करते हैं। तो वो जब स्पर्श करते हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही एक दर्द का कारण हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है। तो इसलिए कृपया अब ब्रह्मास्त्र को वहां पर छोड़िए। तो श्री रामचंद्र ने वैसे किया, और जैसे ही तीर उस द्रुमकुल्य नाम के स्थान ने इसका स्पर्श किया, तो उस समय पृथ्वी में छेद हो गया, और उस छेद से सारा जो जल था वहां पर, वो अंदर चले गया, पृथ्वी के अंदर पूरी तरह से, और वो स्थान बिल्कुल पानीहीन हो गया, एक मरुभूमि, रेगिस्तान के समान हो गया, मरुकंटर, मरुभूमि मरुभूमि हो गई वो। तो अंदाज ये है कि शायद वो गुजरात राजस्थान का भाग है जहाँ रेगिस्तान है, उस स्थान की बात हो गई होगी। तो परंतु ऐसा करने के बाद भी श्री रामचंद्र ने आशीर्वचन दिया उस स्थान को। उन्होंने कहा कि यद्यपि यहाँ पे अभी ये मरुभूमि बन गई है ये भूमि, फिर भी यहाँ पर तरह तरह के फल आदि प्राप्त होंगे, यहाँ शहद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, और वनौषधियाँ वगैरह यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये स्थान गायों के रक्षण के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। इसलिए हम देखते हैं कि उस स्थान में रेगिस्तान होने के बाद भी इतने प्रसिद्ध गायों की नस्ल पाए जाते हैं। आप जानते, कोई नस्ल बता सकते हैं उस भाग के, राजस्थान गुजरात के? गिर गाय है, साहिवाल तो पंजाब के हैं, गिर, थारपारकर, कंकरेज, और नागौरी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो राजस्थान में जल नहीं है, परंतु वहां के जो गाय हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। और थारपारकर के बारे में ऐसे बताया गया है, कितना सच है नहीं मुझे नहीं पता, परंतु ऐसे लोग कहते हैं कि नाम ऐसे लगा, थार पार करके जो जा सकते हैं वो थार पार कर गाय। हमारे यहाँ भी थी, हमारे गौशाला में थार पार कर गाय। तो खैर, ऐसे वरदान उस द्रुमकुल्य स्थान को मिल गया। और उसके बाद फिर समुद्र देव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से कहा कि हे श्री राम, यहाँ पर आपके सेना में ही नल नाम के एक वानर हैं, ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं। अभी विश्वकर्मा कौन है आप तो जानते हैं, वो देव देवताओं के वो अभियंता हैं, अभियंता अर्थात इंजीनियर, वो देवताओं के जो वास्तुकला है, वास्तुकला में बहुत निपुण हैं और अभियंता हैं, तो सारे निर्माण कार्य जो है विश्वकर्मा करते हैं। तो समुद्र देव ने कहा कि ये नल जो है इसके अंदर वैसी ही कला है जो कि उसके पिता में है, तो उसके द्वारा यदि आप इस पुल का निर्माण करवाएं तो बड़े आसानी से कम समय में
ये पुल तैयार हो सकता है। तो फिर श्री राम ने बात मान ली और उधर समुद्र देव फिर अदृश्य होकर वापस अपने जल के भीतर चले गए। उधर नल श्री राम के सामने आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि वैसे सहनशीलता और ऐसे उपहार आदि देना ऐसे लोगों के लिए उचित नहीं है जो कि अकृतज्ञ होते हैं, जो अपना आभार किसी भी कारण से व्यक्त नहीं करते हैं। और वास्तव में ऐसे जो लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं या जो कृतज्ञ नहीं होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं, ऐसे भी भगवान श्री राम स्वयं रामायण में कहते हैं, और पृथ्वी के लिए ये असहनीय बोझ हो जाते हैं। तो खैर यहाँ नल कहते हैं कि ये समुद्र देव ने अपने कृतज्ञता से आपको पुल बांधने के लिए ये निवेदन नहीं किया है, केवल भय के कारण किया है, क्योंकि वो दंड से भयभीत थे। तो फिर नल ने अपना इतिहास बताया कि वैसे मेरे पिता विश्वकर्म उन्होंने मेरी माता को एक वरदान दिया था कि आपको ये जो पुत्र है ये आगे चल के ठीक मेरी तरह ही प्रवीण एक अभियंता बन जाएगा, जो भी मुझ में क्षमता है ज्ञान है इस क्षेत्र में वो सब आपका पुत्र भी जान जाएगा, और इसलिए हे राम मैं इस पुल को बांधने के लिए इसका निर्माण कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ। वैसे मेरे अंदर ये कलाएं तो पहले से थी परंतु कोई जानता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैंने सोचा जब आवश्यकता नहीं है तो इनके बारे में क्यों बताएं। देखो ये है सभ्य व्यक्ति जो अपना डिंडोरा नहीं पीटता है कि देखो मैं कितनी अच्छी तरह से ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मैंने देखो कितना अच्छा काम किया, मैंने ऐसे किया वैसे किया। वास्तव में ये भी एक प्रकार की आत्महत्या होती है, महाभारत में ऐसे लिखा है। बड़ों का अपमान करना ये उनको मारने के बराबर है, जान से मारने के बराबर है, और अपना बड़प्पन करना ये आत्महत्या करने के बराबर है। तो दुनिया में तो लोग इस तरह की हत्या और आत्महत्या करते रहते हैं, परंतु ये बहुत ऐसे एक वैदिक सभ्यता में एक जघन्य कार्य माना जाता था, कोई 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 अपना बड़प्पन करे मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ। तो नल कहते हैं इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं, ना किसी को यह वानर सेना में पता है, परंतु अब जबकि बात का खुलासा हुआ है तो इसलिए अब हम अवश्य इस निर्माण कार्य को आरंभ करें। तो मेरा निवेदन ये है कि सारी वानर सेना अब जाके सारे सामग्री इकट्ठे कर लें इस पुल के कार्य के लिए, निर्माण कार्य के लिए। तो बड़े बड़े पत्थर चाहिए हमें, हमें बड़े बड़े वृक्ष चाहिए, पहाड़ चाहिए। तो इस प्रकार से सारे वानर जो हैं इधर उधर बिखर गए और बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर आए, और कोई बड़े बड़े पत्थर लेकर आए और जैसे लाए वो समुद्र में फेंकते गए, और जैसे समुद्र में वो गिरते गए वो डूबे नहीं, वो तैरते रहे। वैसे इसके बारे में एक कई कथाएं हैं, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, परंतु रामायण एक ऐसा शास्त्र है ना, ऐसी कथा है ये, कि वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त भी और कई ऐसे लोक कथाएं उपलब्ध हैं, प्रचलित हैं भारत में, और ऐसा नहीं है कि ये सारे हम झूठ मानेंगे, थोड़े हो सकते हैं, परंतु अनेक ऐसे कथाएं हैं जो जिन जो कि शुद्ध भक्ति के विरोध में नहीं है और शुद्ध भक्तों के हृदय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो एक ऐसी कथा है कि ये पत्थर किस तरह से तैर रहे थे, क्योंकि पत्थर डालने के पहले समुद्र में सारे जो वानर हैं हर एक पत्थर के ऊपर राम ऐसे लिख रहे थे,
तो राम लिखने के कारण अब वो पत्थर तैरने लगे। ये एक एक बात जो कही जाती है, आपने अवश्य बचपन से सुना होगा। और एक बात जो कही जाती है कि ये शायद रामचरितमानस में है या नहीं पता नहीं, परंतु एक तो लोक कथा है ये कि नल जो भी अभियंता बने इस निर्माण कार्य के लिए, उनके भाई का नाम था नील। तो नल और नील अपने बचपन में बहुत शरारती थे, जैसे कि वैसे भी बच्चे होते हैं और वानर के बच्चे तो और भी ज़्यादा। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी भी बहुत शरारती थे, इसलिए ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी इतनी शक्तियां हैं तुम भूल जाओगे, केवल जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर इतनी शक्ति है। तो उसी प्रकार से नल और नील ऐसे शरारत करते थे अपने बचपन में। हुआ ये कि उनके निवास स्थान के पास में जहाँ पे वो रहते थे जंगल में, एक आश्रम था और वहाँ पर थोड़े साधु रहा करते थे। उनमें से एक थे ऋषि सुतीक्ष्ण। तो एक बार हुआ ये कि उनके पास दो शालग्राम शिला थे जिनकी वो प्रतिदिन उपासना करते थे। उन्होंने एक दिन जाके देखा कि अरे वो गायब हो गए। तो उनको पता नहीं चला कि कौन ये कैसे गायब हो गए, कहाँ चले गए मेरे शालग्राम शिला। तो यहाँ वहाँ देखने लगे सारे अन्य साधु भी जो आश्रम में थे, इधर उधर देख रहे थे, किसी को दिखाई नहीं पड़े। फिर ऐसे कई दिन बीत गए और ऋषि सुतीक्ष्ण की दिनचर्या ऐसी हुआ करती थी कि वो कंदमूल फल जो भी हैं, जो भी जंगल से मिलता था वो पहले लाते थे और अपने शालिग्राम शिला को अर्पण किए बिना वो नहीं ग्रहण करते थे। अब जब शालिग्राम शिला ही नहीं रहे तो अर्पण किनको करेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ लिया ही नहीं। तो ऐसे समय बीत गया और हुआ ये कि एक बार कुछ गर्मी हो गई और जो पास वाला तालाब था वो सूख गया और केवल तालाब के बीच में एक कुआं था। तो कुएं में थोड़ा बहुत पानी था तो अपने पात्र को लेकर वहां पर गए ऋषि सुतीक्ष्ण और अंदर रस्सी के द्वारा अपने पात्र को छोड़ दिया, मटके को छोड़ दिया, ऊपर पानी ले आ रहे थे। तब उन्होंने कुछ आवाज सुन ली और देखा कि अभी दो शालिग्राम शिला वहां पर हैं। उनको बड़ा आश्चर्य लग गया कि अरे ये शालिग्राम शिला यहाँ पर कैसे आ गए। खैर आ तो गए। तो उन्होंने शालिग्राम शिला को फिर से लिया, अपने मंदिर में स्थापित कर दिया और सारे साधु बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो शालिग्राम शिला मिल तो गए, परंतु कैसे गायब हुए थे किसी को पता नहीं था। पर ऐसे थोड़े दिन बीत गए। एक बार ऋषि सुतीक्ष्ण कुछ सेवा में व्यस्त थे, उन्होंने अपने कमरे में थोड़ी, अपने कुटिया में थोड़ी आवाज़ सुन ली कि क्या हो रहा है। तो जल्दी से वहां पर गए तो देखा कि ये दो वानर नल और नील वो उसको ले जा रहे थे शालिग्राम शिला को उठाकर। और जल्दी से वो भाग गए शालिग्राम शिला को लेकर, उस तालाब में उन्होंने फेंक दिया। तो किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से फिर से ऋषि सुतीक्ष्ण ने उन शालिग्राम शिलाओं को फिर से ले लिया और फिर सोचा कि ये तो बच्चे हैं और वो भी वानर, अभी इनको क्या डांटें, इनको श्राप देने से क्या मतलब होगा, क्या लाभ होगा। इसलिए बस ऐसे ही वो रह गए, कुछ किया नहीं। परंतु ऐसी सब घटनाएं होती रहीं तो ऋषि सुतीक्ष्ण और अन्य साधुओं ने सोचा कि अभी कुछ उपाय निकालना चाहिए, नहीं तो ये तो होगा नहीं। बार बार शालिग्राम शिला को उठा के ये वानर जो है नल और नील तालाब में फेंक रहे हैं। तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया नल और नील को कि जो भी तुम, जब भी तुम कुछ फेंकोगे जल के अंदर, वो डूबेगा नहीं। क्योंकि और तो वैसे कोई हानिकारक श्राप तो नहीं दे सकते थे ना। तो इसके बाद फिर भी उनकी हरकतें चलती रहीं। वो बच्चे आके चोरी कर लेते थे, अब पहरेदारी तो नहीं कर सकते थे 24 घंटे,
और वानर तो वानर हैं, तो मौका देख रहे होते हमेशा कैसे कुछ मस्ती करना, कुछ शरारत करना। तो जैसे आपने वृंदावन के वानरों को देखा होगा, अरे बहुत बुद्धिमान रहते हैं, चश्मा वगैरह निकाल लेते हैं, और फिर जब तक आप फल ना दो चश्मा वापस नहीं करेंगे। यदि आप में से कोई अपने चश्मा आदि ने खोया ना हो तो आपने वृंदावन पहचाना नहीं अभी तक। तो खैर, तो अब इसके बाद जब भी वो शालिग्राम शिला फेंक देते थे, वो जल में तैरते थे शालिग्राम शिला, फिर कोई कठिनाई नहीं होती थी, शालिग्राम शिला को फिर से लाते थे। तो ऐसी एक कथा है ये कि ये पत्थर क्यों तैर रहे थे जल के ऊपर। तो ये दो बातें हैं। तो खैर, ऐसे सारे जो वानर हैं वो पहाड़ पत्थर पेड़ वो सब लाने रख रहे थे, और ताकि चलने में वानरों को असुविधा न हो, तो उन पत्थरों के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर वृक्ष भी लगा देते थे जिनमें बहुत सारे फूल वगैरह थे, तो चलने के लिए बड़ा आसान हो जाए। तो ऐसे वाल्मीकि जी अपने रामायण में कहते हैं कि पहले दिन जो सेतु का निर्माण हुआ वो 14 योजन हुआ, एक योजन अर्थात लगभग 8 मील। तो पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और पांचवें दिन 23। इस प्रकार से 5 दिन में 100 योजन का जो पुल है वो बन गया 5 दिनों में बस। और जैसे हम कल शाम को बतला रहे थे, इसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 योजन और लंबाई 100 योजन। तो ये 5 दिन में निर्माण कार्य हो गया। अब आपने बचपन से एक कथा सुनी होगी, पुल के निर्माण कार्य में और किसने सहायता की? एक गिलहरी ने। अब भारत में शायद ही ऐसे कोई बच्चा होगा जिसने ये कथा नहीं सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो भारत में रहना ही नहीं चाहिए, या माता पिता को नहीं रहना चाहिए। तो एक गिलहरी वहां थी, तो गिलहरी आके यथाशक्ति कुछ बालू के कण उठा लेती, या कोई छोटे छोटे कंकड़ जो होते थे उनको उठाकर पुल में रख देती, तो वानरों के बीच में आ जाती वो। तो वानरों को भय था कि कहीं हमारे पैरों के नीचे कुचल ना जाइए, तो कहते थे अरे गिलहरी इधर क्या कर रहे हो, क्या चलो हटो हटो हटो। तो गिलहरी ने कहा अरे आप ये पुल बना रहे हो तो मैं भी तो बनाना चाहती हूँ। अरे तुम क्या बनाओगे, देखो हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ पेड़ आदि लेकर आए हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो कंकड़ हैं और जो बालू के कण हैं उनसे क्या होना है। तो सब लोग हंसने लगे। तो उस समय श्री राम पास में थे, तो श्री राम ने वानरों से कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि केवल जो आप कर रहे हो वही महत्वपूर्ण है, और जो गिलहरी कह रही है कर रही है इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी शक्ति से आप कर रहे हो वो शक्ति मैंने ही प्रदान की है, किसी को मैंने अधिक शक्ति प्रदान की है, किसी को मैंने कम शक्ति प्रदान की है। तो मूल बात यह है कि जो भी भगवान प्रदत्त शक्ति हमारे पास है, योग्यता हमारे पास है, उसका यदि हम 100% उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से गा सकता है या वाद्य बजा सकता है तो अवश्य वो बजाए। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जिसके अंदर ये कला नहीं है इतने मधुर गाने की या वाद्य बजाने की, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी कला नहीं दी है, किसी दूसरे व्यक्ति को कला दी है। तो जिनके पास ये कला नहीं है उनको निराश नहीं होना चाहिए कि अरे वो इतना अच्छा गा सकते हैं,
कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मैं नहीं ऐसे कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। भगवान ने जो भी योग्यता और क्षमता हमें दी है, चाहे वो कम हो या अधिक, उसका प्रयोग यदि हम हृदय पूर्वक करें भगवान के लिए, भगवान संतुष्ट होते हैं। आखिर जो कला, गाने की कला, गांधर्व विद्या जो भी है, वो तो भगवान ने ही दी है ना। उनका श्रेय ये है कि वो जो भगवान प्रदत्त, भगवत प्रदत्त जो कला है, वो भगवान के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ना कि सिनेमा के गानों के लिए, इधर उधर की गानों के लिए। ये उनका श्रेय है। इसलिए जो भक्त, जिन भक्तों में संगीत की कला है और वो भगवान का गुणगान गीत संगीत के माध्यम से करते हैं, तो वो बहुत प्रगति करते हैं भक्ति में, भगवान प्रसन्न होते हैं यदि उनका भाव सही है तो। परंतु जो अच्छा गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं और उनमें घमंड आ जाता है कि मैं अन्यों से अधिक अच्छा गा लेता हूँ या गा लेती हूँ, मैं विशेष हूँ, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरी ओर कोई भक्त संगीत या में कोई उनको कोई कला नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर भी हृदय से गाते हैं, तो भगवान ऐसे हृदय पूर्वक गान को बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे कला के पीछे नहीं है, भगवान हमारे योग्यता के पीछे नहीं है, भगवान हमारे प्रेम के पीछे है। तो यदि हमने श्रद्धा से और प्रेम से भगवान को अर्पण किया, जो भी हमारे पास है, कम हो या अधिक, भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये उदाहरण हमें एक दिया संगीत के बारे में। ऐसे हर एक क्षेत्र में ये हो सकता है, चाहे वो प्रवचन देने के बारे में हो, रसोई करने के बारे में हो, भगवान के अर्चक विग्रह के श्रृंगार करने के बारे में हो, या प्रचार करने के संबंध में हो, अन्य तरह तरह की सेवाएं हैं वो करने में हो, व्यवस्थापन की सेवा में हो, जो भी चीज हो, हर एक व्यक्ति को अलग अलग कलाएं भगवान ने अर्पण किए हुए हैं, तो उनके अनुसार हम सेवा कर सकते हैं। तो भगवान की दृष्टि में न कोई ऊंचा है न कोई निम्न श्रेणी का है, भगवान की दृष्टि में सारे भक्त एक समान हैं। श्रेष्ठ हैं तो कौन है? जिनका हृदय प्रेम से भरा है। तो भगवान ये नहीं देखते कि योग्यता और कला किसकी कितनी कम है या ज्यादा है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि जो भी अपने उनके पास है, वो भगवान की सेवा के लिए समर्पित करें। धन भी, किसी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे सेवा करूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस भगवान यही चाहते हैं। जिनके पास धन है वो धन अर्पण करते हैं, जिनके पास नहीं है तो जो है आप अर्पण कीजिए। तो ये सीखने लायक बात है इस गिलहरी के लीला से। तो भगवान श्री रामचंद्र इस गिलहरी के सेवा से भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों से कहा कि देखो, तुम ये नहीं समझना कि केवल तुम लोग इस पुल को बना रहे हो, वास्तव में तो भगवान ही बनवा रहे थे, परंतु केवल ऐसे नहीं सोचना कि तुम ही बना रहे हो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पत्थर ये जो गिलहरी फेंक रही है, तो जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो जगह है ना, उसको भी भर रही है, देखो। और ये जो छोटे छोटे कण हैं बालू के, वो भी जाके पत्थरों को आपस में ठीक से रख रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि गिलहरी की सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, कोई बड़ा कार्य हो, उसमें बहुत लोगों की बहुत लोगों का योगदान होता है, भले एक मुख्य व्यक्ति क्यों न रहे, परंतु सारे दल में बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, कोई बड़ी सेवाएं करते हैं। तो जो छोटी सी छोटी सेवा भी कर रहे होते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए हमें, उनको जाकर भी अपना अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, कभी हृदय से दो बातें अच्छी कहनी चाहिए उनकी कि आपने बहुत अच्छी सेवा की,
ऐसा नहीं है कि को जो केवल सामने रहते हैं या जो बहुत बड़ी सेवा करते हैं वही बस भगवान के प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। वो अवश्य प्रिय हैं, परंतु जो कम सेवा करते हैं अपने अलग-अलग समस्याओं के कारण, तो उनकी सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि चाहे वो गिलहरी की सेवा कर रहे हों, कोई हनुमान की तरह सेवा कर रहे हों, भगवान की दृष्टि से वो सब एक जैसे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे दैनिक सेवा में भी हम जब करते हैं तो इसको कहते हैं दल में एक एकजुट होकर काम करना। कोई एक तरह की सेवा करेंगे, कोई दूसरे तरह की सेवा करेंगे, और ऐसी सेवा में सहयोग की भावना होना बहुत आवश्यक है। ऐसे ऐसा नहीं कि बस मैं जो कहता हूं वही होना है, दूसरा कहे नहीं, मैं जो कहता हूं वही होना है। हाँ, कभी कभी होता है ना ऐसे, बाहर की दुनिया में तो बहुत होता है, कभी कभी भक्तों के बीच में भी हो जाता है। परंतु भक्तों में खूबी क्या है, फिर कभी भी वो अहंकार को बीच में आने नहीं देते हैं। भले भिन्न मत हो भी जाएं, तो उनका समाधान कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं समस्या को, क्योंकि अंततः सारे भक्तों की इच्छा यही होती है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें। तो खैर, फिर भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को उठाया और फिर क्या किया, अपने तीन उंगलियों से उनके पीठ के ऊपर ऐसे उनको अपना प्रेम व्यक्त किया, और उसके बाद ऐसे कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ में ये तीन रेखाएं आ गईं। तो इसलिए गिलहरी का रूप इस प्रकार का होता है। तो ऐसे बहुत सीखने लायक ऐसी बातें हैं भगवान की लीलाओं में। अच्छा, ये जो गिलहरी की लीला है ये कौन से ग्रंथ में है? कोई ग्रंथ में? वाल्मीकि रामायण में तो है नहीं, ये मैंने बहुत इसके बारे में मैं थोड़ी जांच की थी मैंने, वाल्मीकि रामायण में तो निश्चित रूप से है नहीं, रामचरितमानस में भी नहीं है जहां तक मुझे पता है। तो फिर जांच की थी मैंने कि कहाँ है ये मूल, ये कथा आई कहाँ से। तो वैसे दो ग्रंथ सामने आए, एक है तेलुगु भाषा में जो एक रामायण है जिसका नाम है रंगनाथ रामायण, उसमें इस लीला का उल्लेख है, और एक है जो बंगला में है जिसको कृत्तिवास रामायण कहते हैं, उसमें भी इसका वर्णन है। देखिए, मूल रामायण तो वाल्मीकि का है, और जितने भी अन्य रामायण हैं और बहुत सारे हैं वो सब मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं। तो चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो तमिलनाडु के कंब रामायण हो, या कृतवास रामायण, या रंगनाथ रामायण इत्यादि, विदेशों में भी ऐसे रामायण कई उपलब्ध पाए जाते हैं, विद्यमान हैं, जैसे इंडोनेशिया में है, कोई थाईलैंड में है, उनके भी अपने अपने रामायण हैं, नेपाल में है, हर भाषा में, मराठी में है। तो जो बड़े बड़े भक्त हैं या कवि हैं उन्होंने वाल्मीकि रामायण को लेकर फिर उसमें अपने जो है भावों को भी व्यक्त किया, भावार्थ उसमें दे के उन्होंने अपनी रामायण की रचनाएं की। तो कभी कभी ऐसे जो लीलाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं आती हैं वो ऐसे ग्रंथों में पाए जाते हैं। यदि वाल्मीकि रामायण की किसी तत्व के विरोध में ऐसी कोई लीला है या कोई बात है तो फिर हम नहीं स्वीकार करेंगे, हमारा मापदंड क्या है, वाल्मीकि रामायण। परंतु यदि उसका भाव ऐसे सही है तो ऐसी लीलाओं को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक बात है, ये जो गिलहरी की लीला है ये तोंदरदी पोडी आलवार नाम के एक आलवार थे, आलवारों का नाम तो आप सबने सुना है, दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के भक्त ऐसे प्रमुख 12 हुए। तो
जैसे कुलशेखर आलवार और अंडाल इत्यादि। तो ये तोंदरडी पोडी आलवार थे, तो उन्होंने एक बार अपने एक रचना में इस गिलहरी का उल्लेख किया कि मैं उस गिलहरी की तरह भी नहीं हूं, गिलहरी ने थोड़ी सेवा तो की, मैं उतनी भी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। केवल एक झलक, एक उल्लेख था। इसका मतलब है कि उस समय भी ये कथा थी, उस आलवार के समय। वो आलवार कब थे? अभी अनेक वर्ष बीत गए, 1000 से अधिक वर्ष बीत गए होंगे, निश्चित ही 1000 से अधिक वर्ष बीते हुए बीत गए हैं। तो उन्होंने भी इस गिलहरी, श्री रामलीला में इस गिलहरी का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि ये कथा बहुत पुरानी होगी, बहुत प्राचीन होगी। और क्योंकि कोई ऐसे विरोधाभास नहीं है, कोई इसमें अपसिद्धांत नहीं है, और भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार ये इसका तालमेल अच्छा है, बहुत सीखने लायक भी बातें हैं इसमें, इसलिए हम इस लीला को स्वीकार कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो खैर, ऐसे वानर सेना, भगवान की सेना, श्री राम सेना में न केवल वानर थे, न केवल भालू थे, परंतु ऐसे गिलहरी जैसे बहुत सारे थे। उन्होंने मिलजुल कर ये एक पुल बनाया, परंतु मूलतः सबकी शक्ति आई कहाँ से? श्री रामचंद्र से। उसी प्रकार से हम लोग भी यहाँ पर सब मिलजुल के सेवा कर रहे हैं, हर एक भक्त अपने अपने भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं सेवाओं के द्वारा। जैसे फूलों की मालाएं बनाना, रसोई करना, श्रृंगार करना, या यहाँ बैठ के श्रवण करना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। यदि यहाँ भक्त आएंगे ही नहीं श्रवण करने के लिए, तो यहाँ सत्संग होंगे ही नहीं फिर। और यदि आएंगे भी और आकर यहाँ सो जाएं, तो फिर क्या वातावरण होगा? लेकिन आके सोना भी आ जाइए, ले परंतु सोना भी है, परंतु आइए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो हर एक भक्त अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार से एक शक्ति बन जाती है, सभी लोग मिलजुल कर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कितना सुंदर दृश्य है, और यही वैकुंठ है। वैकुंठ में और भौतिक जगत में अंतर क्या है? कि वैकुंठ में सभी निवासी बिना अहंकार के, बिना स्वार्थ के, सतत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, बड़े सहयोग और प्रेम की भावना से। शुद्ध भक्त हैं सभी लोग। तो यदि हमें वैकुंठ जगत को यहाँ बनाना है, तो वैकुंठ के भाव को स्वीकार करना होगा कि हम सब मिलजुल कर अपने अहंकार को त्याग के, आलस को त्याग के, स्वेच्छा, अपने स्वार्थ को त्याग के, मिलजुल कर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए हम सेवा करें। बस कितनी सुंदर बात होगी। दुनिया में आज ये बहुत आवश्यक है, और यदि हम लोग भक्तों के समाज में ऐसा उदाहरण दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे, तो फिर कौन रख पाएगा? बाहर के दुनिया में तो हो ही नहीं सकता। बाहर की दुनिया में तो इतने झगड़े होते हैं, इतने मतभेद होते हैं, एक दूसरे की बुराई इतने लोग करते हैं, तो उन्हीं चीजों को हम यहां भक्तों के समाज में लाएंगे, तो फिर क्या होगा? हम लोग कैसे भक्ति में पढ़ेंगे? इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भी भगवान की सेना में हो जाएं, परंतु हमारे अस्त्र तलवार आदि नहीं है। हमारे अस्त्र शस्त्र क्या हैं? हरि नाम है, और हमारा सेवा, हमारी सेवा भाव है। तो हमारी विनम्रता है, हमारी भक्ति है, इनको साथ में लेकर हम मिलजुल कर सेवा करेंगे, तो ये फिर साक्षात वैकुंठ जगत बन जाएगा, और बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाएंगे कि हम भी चलो भगवान की भक्ति करते हैं। और ऐसे देखकर प्रभुपाद जी अवश्य बहुत प्रसन्न होंगे। तो आज श्री राम नवमी के दिन हम श्री राम, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के चरण कमलों में ऐसी प्रार्थना भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें एक ऐसे भक्त समाज निर्माण करने का
की शक्ति दें और आशीर्वाद दें, जैसे आपकी वानर सेना थी जो मिलजुल कर केवल आपकी सेवा के लिए एकजुट होकर सेवा कर रहे थे। अच्छी प्रार्थना है ये, परंतु वानरों की तरह नटखट नहीं होना है, चंचल नहीं होना चाहिए, केवल जो भक्ति भाव है उसको देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से निर्माण कार्य तो हो गया, उसके बाद श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर चल पड़े, पुल को पार कर लिए, लंका पहुंच गए और रावण का वध हो गया, रावण की सेना विनष्ट हो गई, सारे लंका का विध्वंस हो गया और सीता देवी को साथ में लेकर श्री राम वापस आ गए। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राम नवमी महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। ऐसे कहा जाता है कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी चार महीने जो चतुर्मास बोला जाता है वो कुछ किताब में बताया है, और फिर ऐसे भी कहा जाता है कि उसी चतुर्मास में रावण का वध हुआ, उसी चतुर्मास में वो अयोध्या में भी आ गए, फिर कैसे गया? हाँ रावण अयोध्या आए, राम तो वो नहीं चतुर्मास में रहे और उसके बाद फिर वो लंका की ओर चल पड़े, और फिर वहाँ पे रावण का वध हुआ, फिर वो वापस चले आए। तो हो सकता है संपूर्ण। अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि चतुर्मास के बाद, जैसे दीपावली है, दीपावली के दिन आप पहुँचे वापस, तो चातुर्मास संपूर्ण समय कैसे रहे? तो हो सकता है पूरी सारा समय बीता न हो, और जब पहुंचे, और राम विजय दशहरा, दशहरा कब है? हाँ, तो हो सकता है कि थोड़े चतुर्मास के समाप्त होने के पहले, थोड़ा पहले निकल पड़े होंगे। तो चातुर्मास में काफ़ी समय, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगा वहाँ जाने, 1 साल तो नहीं लगा उनको। या ऐसे भी हो सकता है कि आगे चलते चलते गए, किष्किंधा से आगे दक्षिण की ओर गए और थोड़ा समय बीत गया, और फिर आगे चल के वहाँ फिर युद्ध हो गया, फिर आगे, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा प्रश्न, ये सोचा नहीं था मैंने। हाँ हाँ, इसीलिए जानबूझकर मैंने कहा नहीं। कई कहते हैं ये वरुण देव है, कई कहते हैं कि उस समुद्र के वो शेष देव होंगे जो वरुण के भी नीचे हैं, ऐसे भी हो सकता है, दोनों लोग कहते हैं, इसलिए मैंने प्रवचन में नहीं कहा। हाँ इंडिया से जो श्रीलंका है वो डिस्टेंस है कि कुछ लोग बोलते हैं कि लंका नीचे और भी नीचे था बहुत स्पीड में था। ये विषय, इस विषय के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक थोड़ा सा एक विवादित विषय है। वैसे देखिए, एक बात ये है कि पृथ्वी का आकार जो है काफी कुछ बदल गया है। ये रामायण की लीला हुई कब? त्रेता युग के अंत में। कितने साल बीत गए? यदि हम मान लें हम अभी 27वें चतुर्युग में हैं, ठीक है, और कलयुग के लगभग 5000 साल बीत गए हैं। तो इसके पहले था द्वापर युग। तो द्वापर युग की अवधि कितनी है? 8,64,000 साल, और ये 5,000, और त्रेता युग के अंत में वो लगभग 9 लाख साल हम पकड़ सकते हैं। तो 9 लाख साल कम से कम
पहले ये लीला हुई। अब 9 लाख साल में पृथ्वी के ऊपर भी परिवर्तन तो बहुत होता है ना। जैसे 500 साल में भी नदी के रास्ते बदल जाते हैं, और कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि कोई ज्वालामुखी हो जाती है तो एक द्वीप का द्वीप ही नष्ट हो जाता है। पहले जो द्वीप था अब द्वीप रहता ही नहीं है। तो फिर पृथ्वी के ऊपर भी जो भूमि है वो भी कभी मिल जाती है, कभी अलग हो जाते हैं ना, द्वीप अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। तो इसलिए उस समय पे कितना अंतर था इत्यादि, ये एक वाद का विषय है। परंतु प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों के साथ एक बार एक वार्तालाप किया था, उसमें यही प्रश्न प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था उनके भक्तों ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे कहा जाता है कि ये श्रीलंका, आज जो श्रीलंका के नाम से जाना जाता है वो लंका नहीं है। तो उन्होंने कुछ प्रमाण रखा, तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो वैज्ञानिक भी इसमें भी गलत हैं। तो एक बात ये है कि श्रीमद् भागवत में लंका और सिंहला ये दो अलग अलग द्वीप बताए गए हैं, जम्बू द्वीप, शायद जम्बू द्वीप है। तो जब ये अलग अलग द्वीप है और लंका के लोग कौन सी भाषा बात में बात करते हैं, सिंहला, सिंहला सिंहला भाषा बात करते हैं। तो ये सिंहला लोक है और लंका है, तो इसका अर्थ है कि ये दो अलग हैं, नहीं तो अलग अलग द्वीपों के नाम क्यों दिए गए हैं। आज जो श्रीलंका है पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, जो सिंहला, सिंहला से सिलोन, तो सिंहल भाषा बात करने वाले जो लोग थे वो। तो अभी ये लंका फिर कहाँ है? तो एक ग्रंथ में, शायद वो ग्रंथ का नाम मुझे याद नहीं, सूर्य सिद्धांत हो या जहाँ भी, उसमें ये बताया गया है कि सूर्य जो लंका है उसका न तो कोई हिंदी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, हाँ एक एक बोलिए कोई, हाँ तो पढ़ एक बोल, अक्षांश रेखाएं, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अक्षारंश, अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश रेखा जो है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड हाँ रेशांतर, लेश, अच्छा लिख के मुझे दे दीजिए, लिख के मुझे दे दो, लिख के दे दो मुझे जल्दी से, कागज दे दीजिए। अक्षांतर और देशांतर, ठीक है। तो ऐसे कहा गया है कि लंका का ना अक्षांतर है ना देशांतर है, कैसे हो सकता है? तो अभी देखिए, आज जो हम अक्षांतर देशांतर की बात करते हैं उसकी धारणा कैसे ली गई है, इंग्लैंड में उन्होंने एक उसको शून्य मान लिया है कि वहां से शुरू होते हैं देशांतर, है ना, ये शुरू होता है। इसलिए भारत का कितना होगा, भारत के पश्चिमी भाग में पता नहीं जितना भी होगा अंतर, परंतु तो जो वहाँ उस रेखा में हैं उनका देशांतर शून्य होता है, बराबर। तो उनके पूर्व भाग में जो होते हैं, पश्चिम में होते हैं, उनका देशांतर अलग होता है। परंतु वैदिक भूगोल आदि में जो देशांतर है वो प्रारंभ होता है, वो एक रेखा होती है, वो अवंती से होके जाती है, अवंती अर्थात उज्जैन। तो जो अवंती के उस रेखा में हैं उनका देशांतर शून्य होगा, ठीक है। तो लंका भी इसमें होनी चाहिए कहीं। दूसरी बात, अक्षांतर वो भी शून्य, तो पृथ्वी का अक्षांतर तो बदला नहीं, वो वैसे ही है। तो जब हम देखते हैं कि जो
अर्थात लंका, इस इन दोनों रेखाओं के बीच जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे है। तो ये स्थान कहाँ पे आता है? ये नीचे सागर में आता है, जो कि लंका और भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि लंका वहाँ हुई होगी, क्योंकि ज़्यादा अंतर है वो, एक और 700-800 किलोमीटर या 800 जितने भी होंगे उतने अंतर है, ऐसे लोग कहते हैं। कई भक्त भी ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं, फिर जब बाढ़ आ गया था तो फिर वो सब डूब गया, क्योंकि ऐसे होता है ना, प्रलय तो हम पढ़ते हैं भागवतम में भी, कितने प्रलय होते हैं जाते हैं, पानी का पानी ऊपर चढ़ता है फिर कम हो जाता है, फिर पहले जब प्रलय नीचे उतरता है तो बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, फिर प्रलय आ जाता है तो केवल ऊपर ऊपर की जमीन रह जाते हैं। तो पृथ्वी का दृश्य बहुत बदल रहा है, बदलते रहता है। तो इसलिए लंका भी आज इस स्थान में है, पुरानी लंका जो रामायण की लंका है, वो हो सकता है कि आज की श्रीलंका से और थोड़े हट के नीचे है, नीचे की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ऐसे भी कहते हैं लोग। और प्रभुपाद जी ने इसको ना नहीं कहा था इसके बारे में, उनका हो सकता है, प्रभुपाद जी ने भी कोई निश्चित ऐसे राय इसमें नहीं दी थी जहाँ तक मुझे पता है, परंतु ऐसे हो सकता। वो बिल्कुल 800 योजन की लंबाई पे देखना है, लगभग वो 100 योजन की लंबाई पे लगभग हो जाता है। और ये जो पहाड़ आदि थे, और आज उनको मालदीव्स, मालदीव्स जो द्वीप है ना, लगभग उसके ऊपरी भाग वहाँ पे है, और आप दक्षिण की ओर जाइए तो बीच समुद्र में ये हो सकती है लंका, पहले एक द्वीप था वहाँ पे। तमिलनाडु में भी ऐसे कहते हैं कि कुमारी कंदम नाम का एक भूमि थी जो कि दक्षिण भारत को जोड़ती थी अफ्रीका आदि से पहले, काफ़ी कभी वो समुद्र के नीचे आ गई, ऐसे कहते हैं। आप में से कोई यदि तमिलनाडु में आपने शिक्षण किया होगा तो आपके ग्रंथों में ऐसे हुआ होगा तो मुझे पता नहीं। तो ऐसे भी लोग कहते हैं। तो पृथ्वी का रूप बहुत बदल गया है, इसलिए रामायण और महाभारत के और भागवतम के भूगोल को आज के भूगोल से जोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि अभी कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, जैसे कल या परसों में बता रहा था कि अयोध्या जहाँ है वो है, चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा क्षेत्र वो तो है, परंतु ये जो स्थान है लंका है कहाँ है, ये थोड़ा एक बात का विषय है। अब लंका में भी बहुत ऐसे स्थान हैं जो कि सीता देवी का मंदिर है, और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी श्री राम गए होंगे, क्योंकि जब जाना था वहाँ पर समुद्र पार करने के लिए, वहाँ भी पार करके गए होंगे, रहे भी होंगे वहाँ पर। इसलिए तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। ठीक है। हाँ आज की लंका में अशोक वाटिका है वहां पर हाँ है, अभी ठीक है कहते हैं। ब्रिज भी तो 20 किलोमीटर का ही है, हाँ ब्रिज हम जो देखे ना अभी हाँ वो 20 किलोमीटर का ही है। हाँ तो वो सेतु है वो इतना लंबा, 80 किलोमीटर ऐसे कुछ है, 60 किलोमीटर या कम कम है। और ये भी देखा जा सकता है कि देखो युगों में सब कुछ कम होते जाता है ना, तो सत्ययुग में जो था इतना बड़ा है, इसलिए समस्या, हम जब इंद्रियों से ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं ना, समस्या ऐसी हो जाती है। हम लोग जब ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना इन चीज़ों के ऊपर कि कैसे समझना चाहिए, कैसे इसका समन्वय करना चाहिए, तो फिर ऐसे विरोधाभास हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यदि ऐसे कोई हमें उपाय मिल जाता है जिससे कि समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है फिर भी शास्त्रों में जो बताया गया है इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए।
हाँ ठीक है, आईआईटी के है ना, इसलिए वो थोड़ा है ना। लेकिन ये अच्छा प्रश्न है, वास्तव में आईआईटी के लोग बुद्धिमान होते हैं, या भक्ति में लग जाते हैं तो अपनी बुद्धि भक्ति में भी लगाना चाहिए वास्तव में, सही है ना। हाँ गिरिवर पूछना है क्या कुछ? हाँ पूछ लो। जैसे आपने बोला कि जो बत्तर तैरने के अलग अलग कहानी है जो मालवीय रामायण में नहीं है वो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के अनुसार ही है, पर ये थोड़ा समझने में थोड़ा ये वाला था कि जैसे भगवान का नाम लेकर जो पत्थर फेंक रहे थे और उसके ऊपर चल के गए तो भगवान के नाम क्यों वजन दिए जा अब ये रहे हैं। भगवान की इच्छा ही थी ना, भगवान की इच्छा थी कि उनको पुल पार करके जाना है लंका, है ना। तो इस प्रकार से हाँ नाम लिखा था, परंतु नाम जो अब था उसके ऊपर से चले गए है। हो सकता है वो भाग जल को स्पर्श कर रहा हो, क्या पता। ये इनको भावार्थ कहते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं। वास्तव में हुआ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो कह नहीं सकते, कैसे कह सकते। इसलिए मूल बात जो वाल्मीकि रामायण में है वो बस उसके ऊपर हम 100% उसको मान सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु रामचंद्र हाँ प्रश्न ये है कि जब भी भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, तो भक्तों को बहुत कष्ट हुआ। दशरथ महाराज को कितना कष्ट हुआ, सीता देवी को कितना कष्ट हुआ, बहुत सारे भक्तों को कष्ट हुआ। उधर कृष्ण लीला में भी ब्रजवासियों को कितना कष्ट हुआ। तो फिर वहां भगवान के धाम में भी जाएंगे, ऐसे ही होगा तो क्या होगा? ऐसे प्रश्न है। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे भगवान का धाम है उसमें ऐसे होने की संभावना नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो शुद्ध भक्तों के जीवन में ऐसे तथा कथित कष्ट या दुख आते हैं वो वास्तव में दुख नहीं होते हैं, वो आनंद के चरम सीमा के उदाहरण है, आध्यात्मिक है ये। दशरथ महाराज का जो भाव था विरह का श्री राम के प्रति, वो साधारण कोई विलाप नहीं है। जैसे दुनिया में कोई गुजर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार रोते हैं, उनको दुख होता है, ये भौतिक है दुख। परंतु जब भगवान से संबंधित ऐसे विलाप या ऐसे दुख होता है, विरह होता है, तो वो आध्यात्मिक होता है। तो इसलिए वो भी एक प्रेम का लक्षण है, और उसमें भी एक दिव्य आनंद है। जैसे ब्रजवासी गोपियों का जो विरह का भाव है वृंदावन में, वो हमें तो लगता है कि कितना कष्ट हुआ होगा और उनको दर्द हो रहा था, परंतु श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे जो विरह है ये कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तो सबसे ऊंचा प्रेम है विरह का प्रेम, जिसको विप्रलम्भ सेवा कहते हैं। इतना ऊंचा है ये कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार करके आए इस रस का आस्वादन करने के लिए, कि विरह का भाव कितना विशेष है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा भाव स्वीकार किया? विशेष रूप से वो भाव श्रीमती राधा रानी का, जबकि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे मथुरा, और जब उद्धव आए थे और उद्धव जी ने जब उनको देखा
उनका जो भाव था उसी भाव को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जो हमें लगता है कि दुख है वो वास्तव में भौतिक नहीं है, वो सबसे ऊंचे दिव्य आनंद का एक प्राकट्य है। ठीक है, परंतु इसमें एक इसमें कई सीखने लायक भी चीजें हैं। पहली बात यह है कि ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमें कि हम भक्ति में आ गए अब कोई दुख या कष्ट नहीं आएंगे जीवन में, और दुख या कष्ट आ जाएंगे तो भगवान ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया मेरे साथ, ये संशय उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने के बाद कष्ट नहीं आएंगे, आएंगे ढेर सारे आएंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, जब आएंगे तो ये परीक्षा है कि क्या हम कष्टों के कारण भगवान को भूल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं यदि हम कहें कि भगवान के धाम में भी ऐसा है ऐसे होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, अरे फिर क्या फायदा करके, क्या हम ऐसे बोलेंगे। यदि तर्क के लिए हम मान लेते कि भगवान के धाम में भी ऐसे दुख होगा तो क्या फिर हम भक्ति जारी रखेंगे या नहीं, ये परीक्षा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश यह है कि निस्वार्थ ढंग से हमें भगवान की भगवान से प्रेम करना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे सुख चाहिए, बस आपको सुख देना है हे कृष्णा, बस ये हमारा भाव है। और आपको सुख प्रदान करने में यदि हमें दुख का अनुभव हो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। तो ये भाव है चैतन्य महाप्रभु का। तो कैसे महान भक्त इस भाव को ग्रहण करते हैं और प्रदर्शित करते हैं हम सबको सिखलाने के लिए, ऐसे दशरथ महाराज का उदाहरण हो या फिर सीता देवी का हो या गोपियों का हो, ऐसी लीलाओं में ऐसे घटनाएं होती हैं इस कारण से। ठीक है, हाँ पीछे माइक दे दीजिए। भाव खाना नहीं चाहिए, भाव होना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य, जिसकी जैसी भावना है सेवा करते समय भगवान वैसे ही प्रतिकार करेंगे। यदि शुद्ध भाव है तो भगवान वैसे ही बर्ताव करेंगे और भक्त भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति करेगा। यदि भक्त यांत्रिक भाव से सेवा कर रहा है तो ठीक है, कम से कम कर तो रहा है ना। नहीं करने से अच्छा यह है कि वो करे, थोड़ा कुछ तो लाभ मिलेगा। अनजाने में भी जब सेवा करने से लाभ मिल जाता है तो फिर यांत्रिक रूप से करने में भी नुकसान क्या है। हाँ, ये एक सेवा अपराध हो जाता है, परंतु कर करके उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण से हमारी चेतना बनी रहती है, हमें पता चलता है कि भाव कैसे होना चाहिए सेवा करते समय। यदि हम केवल सेवा कर रहे हैं परंतु श्रवण नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे से हमारा सेवा, हमारी जो सेवा भाव है, भावना है, वो शिथिल होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। इसलिए सेवा के साथ साथ श्रवण बहुत आवश्यक है, फिर वो यांत्रिक भाव नहीं रहेगा उतना। और हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि यांत्रिक भाव से नहीं करना चाहिए, मैं किन की सेवा कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। हर पल हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए, तब वो गंभीरता बनी रहेगी, तब वो भाव बना रहेगा। ठीक है, और एक दूसरे को सहायता करनी चाहिए। जैसे हम मिलके हम देखते हैं कि माता जी कितने लोग बैठ के फूलों की माला बनाते हैं, या नीचे रसोई घर में रसोई करते हैं, या भक्त लोग पे श्रृंगार कर रहे होते हैं, या ऑल्टर के ऊपर भी भगवान की सेवा कर रहे होते हैं।
तो आपस में प्रजल्प नहीं करते हैं, आपस में या तो भगवान की कोई कथा करते हैं या तो फिर बात नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये भाव होना चाहिए। तब यदि हमने आपस में प्रजल्प करना शुरू कर दिया हमने, तो वो सेवा भाव खत्म हो जाएगा। फिर हम बस कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, वो भाव ठीक नहीं रहेगा। इसलिए एक दूसरे की मदद भक्तों को करनी चाहिए उस वातावरण को बनाए रखने के लिए, ताकि अन्यों का भाव न खराब हो जाए, हमारा भाव भी खराब न हो जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफी देर हो चुका है और थोड़ी ही देर में अभिषेक प्रारंभ होगा, आप अवश्य आइए। आज वैसे भी रविवार है, छुट्टी है, तो आप आ जाइए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।